का सिलेक्शन करना पड़ा एक सन्यासी को, भारी और इतना भारी पड़ा जिसकी हमें आपको बताएं कि 10-15 लोग जो है उस सन्यासी को पीटते रहे 25 मिनट तक, 3 घंटे तक उस सन्यासी को किसी ने भी नहीं संभाला। जी हाँ, ये घटना है उड़ीकी गांव, ग्राम पंचायत उड़ीका, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनू, राजस्थान के अंदर ये घटना हुई। एक सन्यासी को इतने क्रूर तरीके से पीटा गया, तो इसके बारे में ये बात चलिए उन्हीं सन्यासी की आवाज में सुनते हैं वो क्या कहते हैं, तो चलिए देखिए। मेरा नाम सुकरनाथ, मैं बाबा भवनाथ की समाधि बाबा बुज्जरनाथ के धुने पर रहता हूँ। गांव उड़ीका, तहसील नगर सूरजगढ़, जिला झुंझुनू में रहता हूँ। दो छोरे आए, वहाँ 3 पेश का बोर है, वो समाज सेवा का जोड़ के लिए पानी पीने के लिए व्यवस्था है, और उस पर जोड़ में पानी छोड़ रखा था। 2 बस्ती के टिंगर आए, उनने मेरे से गाली गलौज करी और मेरे को बोला पानी छोड़ दो बाबा टंकी में। मैंने बोला जी 10 मिनट रुक जाओ, जोड़ में छोड़ रखा है, यहाँ पशु पंछी आते हैं पानी पीने के खातिर। और तो वो ढानी में चले गए, मेरे को थोड़ी बहुत गंत शब्द बोले और बोले जी वो 10 मिनट के अंदर 3-4 मोटरसाइकिल पर 10-8 वे मानस थे और मेरे से वे हत्यापाई करने लगे। 5 आदमी मेरी उसमें से पहचान में आ गए थे और 3 घंटे तक मैं 4 घंटे तक 4:30 बजे एक डॉक्टर आया बलवंत, उसने मेरे को संवारा और संवारने के बाद उसने एक इंजेक्शन लगाया, पानी का गिलास पिलाया, फिर उसने गांव में एक आध को फोन किया। तो 5:30 बजे के बाद 10-20 मूर्ति आई मेरे को, सूरजगढ़ से एम्बुलेंस आई सरकारी स्कूल में और 1 बजे के 2:30 जी। उसके बाद 3 बजे आए, वो एक गाड़ी आई सफ़ेद मारुति के उसमें थी, उसमें एक आदमी मेरे पास चल के आया, मैं उसको जानता नहीं, और सफ़ेद ड्रेस में था और थाने का बन के आया, और उस गाड़ी में वो आदमी बैठा था वो ढानी का था, देसा उसके बाप का नाम है सुरताराम। वो मेरे को धमका के और बेहोशी की हालत में था मैं, तो उस टाइम पे वो एक कागज पर मेरे दस्तखत करा ले गए और फिर वो चले गए। बाबा तू ठीक है? मैंने कही भाई ठीक तो क्यों, मैं तोड़ रखा हूँ एक लाठी और घूसों की, दांत में, कान में से, नाक में से, छाती में से और एक कमर में, हाथों में भी, पोचे में भी चोट लगी हुई है। तो बाने के लिए बाबा इंजेक्शन लगा दूँ, तो उसने इंजेक्शन लगा दिया, वो 10-15 मिनट मेरे पास बैठा, फिर 6 बजे के करीब मेरे पास 10-8 आदमी आए, एक महीपाल बजानिया था, लक्ष्मण खाती था, मदन शेखावत था और 2-4 आदमी और भी होंगे बस्ती के, वो मेरी पहचान में, क्योंकि मैं थोड़ी सी वैसी हालत में था कि ठोके कोई शुद्ध बुद्ध थोड़ी सी खो बैठी, कि घूसे और लाठी इतनी मारी हुई थी कि 5 आदमी तो उनमें पहचान आए और आदमी तो मेरे पहचान आदमी थे वे 15 के करीब, गिनती मैंने करी नहीं, अंदाजा बता रहा हूँ कि बेहोश हो गया था। महाराज जी ये बताइए आपको जो है कितनी देर तक उन लोगों ने पीटा, कितनी देर तक आपको उन्होंने मारा पीटा? 25 मिनट तक मेरे को पीटते रहे और 25 मिनट बाद इस बीच में कोई भी गांव का आदमी आपको छुटाने के लिए नहीं आया? कोई नहीं छुटाने आया कोई गांव का, एक आदमी था वो कल्ला जावन सिंह था, वो भी उन देख के भाग गया। अच्छा ये जो आपका स्थान है ये गाँव से कितनी दूर है? गांव से 1.5 किलोमीटर है। गांव से 1.5 किलोमीटर की दूरी की गांव से, उरी की गांव से 1.5 किलोमीटर दूरी पे। अच्छा आप दिखा सकते हैं आपको कहां कहां पे चोट लगी, कितनी चोट लगी आप ये दिखा सकते हैं? एक सेकंड।
ये भी चोट लग रही है। आपको सिर के अंदर चोट लगी है? हाँ जी ये भी है देखो। अच्छा यहाँ से खून आया था आपके? हाँ यहाँ से खून नहीं आया था, यहाँ से कान में से खून आया था। कान में से खून आया था, यहाँ पे आपको गुम चोट लगी है? हाँ ये कान सूज रहा है देखो, अब तो 3 दिन की बात हो गई, परसों की बात थी। और दिखाओ पूरा ये हर्ट था, कुछ दांत में चोट लगी है। हाथ हटाई दिखाओ। ये हाल है, कमर पे भी आपके चोट लगी है? हाँ कमर पे भी है, लाठी भी लगी। मुड़ के दिखाओ हाथ। हाथ पर भी है, दिल भी हो गया। इसके अलावा पैर वगैरह पे भी लगी? हाँ ये आँख में भी लगी हुई। आँख में लगी हुई? हाँ। नाक से आपके खून आया था? नाक से खून आया था, 2 उल्टी भी आई थी। दो उल्टी भी आई थी खून की। छाती में भी लगी हुई है। छाती में भी आपको लाठी से मारा? घूसे से मारा। हाँ। कमर में लाठी से मारा? कमर में लाठी से मारा, घूसे से भी मारा। तो ये आपने वीडियो में देखा सन्यासी को कितने क्रूर तरीके से पीटा गया, कैसा व्यवहार उनके साथ किया गया, जबकि वो जीवों के संरक्षण के लिए जो गांव का जोड़ है उसे पानी का भर रहे थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि वो 10 मिनट बाद जो है वो गांव के लिए पानी जो है वो चला देंगे गाँव की टंकी में, जबकि पूरा गाँव पानी जो पीता है, पूरे गाँव में पानी सप्लाई होता है, वो उसी स्थान से पानी सप्लाई होता है। और वो बाबा जी हैं जो भी वो महाराज हैं वहाँ पर, वो 6 साल से रह रहे हैं, 6 साल से वो अपनी सेवाएं जो हैं वो जीवों के लिए और गांव के लिए समर्पित कर रहे हैं। उसके बाद में गांव के कुछ लोगों ने उन्हें इस तरीके का इसका प्रणाम दिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके और पास में आने वाले जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, इससे आपको आने वाली वीडियो की हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और आप अपनी सपोर्ट में वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, कम से कम भी आप जो है इस वीडियो को 5 शेयर जरूर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके और कोई आगे आने वाले समय में इस तरीके की घटना फिर से ना कर सके, ये सबक उन्हें देखने को मिले। तो इसके लिए वीडियो को आप शेयर कीजिएगा।